बिल्डिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई कार, पुलिस जवान की मौत। रोड़ों से 4 किलोमीटर दूर मेहंदली के पास एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से वाहन चालक दुष्यंत की मौत हो गई। दुष्यंत जुबल तहसील के धार गांव का रहने वाला था तथा रोड़ू पुलिस में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार दुष्यंत बीते दिन अपनी गाड़ी HP 63A 74-10 में रोड़ू से जुबल की तरफ जा रहा था, परंतु जैसे ही उसकी गाड़ी मेहंदली के पास पहुंची तो वह गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा तथा गाड़ी एक बिल्डिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में जवान दुष्यंत की मौत हो गई। DSP रोड़ू चमन लाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैबिनेट बैठक, हिमाचल की नई आबकारी नीति पर आज लगेगी मोहर, टोल टैक्स बैरियरों पर होगा फैसला। हिमाचल की नई आबकारी नीति पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में रविवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार मोहर लगाएगी। आगामी वित्त वर्ष में शराब ठेकों की नीलामी के आसार कम है, ठेकों के नवीनीकरण का फैसला होने की संभावना है। अवैध शराब की पकड़ के लिए मोबाइल ऐप से बोतलों के ट्रैक एंड ट्रेस करने का फैसला भी होगा। टोल टैक्स बैरियरों को भी नीलामी की जगह नवीनीकरण से देने का प्रस्ताव राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने तैयार किया है। बीते 3 वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रहा है। रबड़ उद्योग में अचानक लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान। डमटाल के एक रबड़ उद्योग में अचानक आग लगी जिसके कारण लाखों का नुकसान हुआ। डमटाल पुलिस और अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार डमटाल के एक रबड़ उद्योग में शनिवार को अचानक आग लग गई। उद्योग के मालिक समीर गुप्ता ने इसकी सूचना तुरंत डमटाल पुलिस को दी। इसके बाद कंदरौड़ी आर्मी डिपो के कमांडेंट करनाल परितोष अमित राजदान ने अग्निशमन की गाड़ी मंगवाई और उद्योग में लगी आग पर काबू पाया। DSP नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आग लगने के कारणों की पुलिस जाँच कर रही है।